सोनावने सर का नाम मैं जरूर लूंगी, क्योंकि सोनावने सर जब से मैं शिक्षिका है उसका पढ़ के इस कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यक्रम की उद्घाटन किया। हमारी सोच यही होनी चाहिए, देश का संविधान हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और देश की उद्देशिका हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, ये हम सबको पहले समझना होगा। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सभी से कहना चाहती हूँ, मैं सभी के भाषण सुनती रही हूँ। मैं एक खान साहब थे उनका भाषण सुने, हमारे परभणी के भाई थे उनका भाषण मैंने सुना, हमारी एक बहन थी आपा थी उनका भाषण मैंने सुना। ये शिक्षा संरक्षण और आप सबको मालूम है आरक्षण, इसके मामले में आज का जो है ये परिसंवाद किया गया है। मुझे सबसे पहले तो यही कहना है कि बदलाव एक सभा से नहीं आएगा, बदलाव आने के लिए कंटिन्यू आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, एक खचलवल करनी पड़ेगी, आपको सतर्कता से मिलना होगा, तब जाके ये बदलाव आएगा। लेकिन उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, इसके लिए मैं आप सबसे बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे मालूम है हमारी लड़ाई जिस लोगों से है, जैसा आदरणीय भालचंद्र मुंगेरकर साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी ताकतों से है। आज वो समाज समाज के नाम पे द्वेष फैलाने का काम कर रहे, जात धर्म के नाम पे राजनीति फैलाने का काम कर रहे, और ऐसे समय में आज ये परिसंवाद हो रहा है, आज ये जो है वो विचार मंच के माध्यम से चर्चा हो रही है। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग एक जगह पे पहले तो समय लेके जाए और सब लोग एक साथ मिल, ये सबसे पहला मेरा कहना है। कौन सी कमेटी बनी मैं उसके रिपोर्ट में जाना नहीं चाहती, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जो कल्चर कमेटी बनाई थी उसके बाद जो रिपोर्ट आया, और महाराष्ट्र सरकार ने उस कैबिनेट ने निर्णय लिया, जिस कैबिनेट की बात बार बार कर रहे हैं सब लोग, रहमान कमेटी के जो आई थी उस समय की जो नोंदनी, और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार में जो हमारी सरकार थी आघाड़ी सरकार, उस वक्त हमारे पृथ्वीराज चव्हाण साहब मुख्यमंत्री थे, और हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि मराठा समाज और मुस्लिम समाज उसको जो है सिक्का मोर्चा जो है वो एजुकेशन के लिए मिला था। दुर्दैव से आप देख रहे हैं 2014 से राजनीति की पूरी करवट बदल गई है, राजनीति रंग से गिनी जा रही है, राजनीति को अलग दिशा में लेके जाने का काम किया है। जिस संसद भवन को हम अपने सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि देश का संविधान रखा गया, देश के बड़े बड़े नेता चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, आज मंच में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिस देश की संसद में गए। आज इस संसद में आदमी अगर सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कहाँ सुरक्षित रहेगा, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है भैया इनको मारो, और ये सिखाने वाली कौन होती है, एक टीचर होती है। अगर इस समाज में टीचर का उद्भव या गुरु का उद्भव इतना बड़ा उद्भव है कि कहा जाता है कि जैसे कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद साहब कि कितने आईएएस ऑफिसर है, कितने आईपीएस ऑफिसर है, इसके ऊपर पढ़ाई की, 2% लोग हमारे गवर्नमेंट में काम नहीं करते, हमारे कितने टक्का लोग पढ़ाई में गए हैं, इसका सर्वेक्षण हुआ है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, तालीम से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सिखाया नहीं होता, शिक्षा संगठित हुआ संघर्ष करा, और जो शिक्षण है वागिनी से दूध है, जाने ते गवस न तला गुरगुरला शिवाय रहना, नहीं ये बाबा साहब ने सिखाया, एजुकेशन दिया तो जाके आज यहाँ पे खड़ी रह के वर्षा गाय पर भाषण कर रही है। वरना देश का संविधान नहीं होता तो शायद आज बात करने वाले लोग, इस देश के संविधान को बदलने की भाषा करने वाले लोग आज यहाँ पे बैठे नहीं होते, संविधान की वजह से वो लोग बैठे हैं सरकार में। लेकिन आज उसी संविधान को बदलने की भाषा करते हैं, तो इस वक्त ये वक्त की और हालात की बात ये कहती है कि हमें इकट्ठा होके आने वाले वक्त को बदलना है, तो अभी से जाके सब जगह जगह बात करनी होगी। हमको संरक्षण चाहिए, हम इकट्ठा मिलके पा सकते हैं, हमको आरक्षण चाहिए, हम इकट्ठा मिलके पा सकते हैं, हमें तालीम देनी है, हमको लोगों को प्रबोधन करना होगा, लेकिन ये करने के लिए हमको एक साथ आना होगा। पहले मल्लिका खड़गे साहब की भूमिका आपको मालूम है, भारत जोड़ो, पहले ये यकीन रखिएगा मुश्किल लड़ाई जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और अगर जहाँ पे लड़ाई बहुत मजबूत हो वहाँ इरादा भी मजबूत करना पड़ता है। अगर इस देश में स्वतंत्रता सेनानी ये सोचते तो इस देश में अंग्रेजों को भी लगा था कि हमारा सूरज कभी नहीं डूबेगा,
लेकिन लोगों ने ना जात देखा, ना धर्म देखा, ना भाषा देखी, ना प्रांत देखा। लोगों ने एक देखा, इस देश को स्वतंत्रता बनाना है। अब दूसरी लड़ाई है, अब दूसरी लड़ाई है, और लड़ाई में आप सबको उतरना पड़ेगा। और लड़ाई में ये दिखाना पड़ेगा, अगर दड़पशाही है तो उसके सामने संविधान है, अगर हुकुमशाही है तो उसके सामने संविधान है। और सबसे बड़ी बात, देश में एकता है, अखंडता है, और सबसे बड़ी बात, देश में समानता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आरक्षण स्वरक्षण, ये मराठी में है। शिक्षा, आरक्षण और सुरक्षा, ये हिंदी में है। एजुकेशन, रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, ये इंग्लिश में है। हालत अच्छी नहीं है, इसे दुरुस्त किया जाना जरूरी है, लेकिन सरकारों ने इसे इग्नोर किया। मुसलमानों ने भी तालीम को प्रायोरिटाइज नहीं किया।